अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सुम्बुल्स चैनल। और ये हो गया था नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे थे मज़ार शरीफ, हमारे जो मतलब गांव में है। वैसे तो आपने भाभी के व्लॉग में देखा ही है, उन्होंने बताया था कि जो भी न्यूली मैरिड होते हैं कपल्स वो जाते हैं, और जब भी हम लोग मौदहा आते हैं तो जनरली हम लोग टाइम निकाल के कोशिश पूरी करते हैं कि हम लोग जाएँ और वहाँ से ज़ियारत करके आएँ। और ये पूरा प्रॉपर गाँव वाला सीन, खेत वाला सीन था, ये वही मज़ार शरीफ का है। मैंने ऐसे प्रॉपर ज़्यादा नहीं लगाया है क्योंकि ऑलरेडी भाभी ने सारी चीज़ें लगाई हैं, तो दोबारा से सेम थिंग डालना है इस वजह से। और ये अम्मी और मोहित और जा रहे थे, ये वहीं पे थे हम लोग बस ज़ियारत करने के लिए। हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी आते हैं तो ज़ियारत करने के लिए ज़रूर जाएं, और मोस्टली लोग जाते ही जाते हैं और न्यूली मैरिड कपल्स भी जाते हैं, जैसे कि भाभी ने ऑलरेडी अपने व्लॉग में बताया है, पहले मेंशन किया है। ये बहुत खूबसूरत सा, मतलब ऐसे इतना सुकून मिलता है यहाँ जाने के बाद कि मतलब मैं कैसे ही एक्सप्लेन करवाऊँ। इतना अच्छा, इतना रिलैक्सिंग हो जाता है, पूरा माइंड एकदम शांत हो जाता है यहाँ पर जाने के बाद। और ये बस हम वहाँ से निकल चुके थे, दूसरे मज़ार शरीफ जा रहे थे। रखा हुआ था, क्या बोलते इसको, हाँ लुभान रखा हुआ था। और से जो भी आते हैं जनरली तो वहाँ पे ये सोन हलवा, ऐसे तो यहाँ पे हमारे मौदहा के एक पास जगह है बांदा, वहाँ का सोन हलवा बड़ा फेमस है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसे मिल जाता है। और हम लोग वहाँ से निकल चुके थे दूसरे मज़ार जाने के लिए, और हमें क्या मिला, घोड़ा। ये लोग जा रहे थे शादी में, यहाँ पे ना बहुत रिचुअल है कि शादी में घोड़े को ज़रूर नचवाते हैं, और ये हम आ चुके थे दूसरे मज़ार शरीफ, और यहीं पे पास में शायद गांव में शादी थी तो ये वहीं आए हुए थे। घोड़े वो यहाँ पे है कि सारे घोड़ों को लेके आते हैं, 10-12 घोड़े, 15 घोड़े आते हैं और डांस करते हैं, और ये वहाँ पे हमें दूसरा घोड़ा भी मिल गया था। धीरे धीरे करके बाकी घोड़े भी आते जा रहे थे। और वहाँ से आने के बाद मैं चली गई थी आस्था के घर पे, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं, मैंने बोला था ना कि हम लोग मिलते ज़रूर हैं, ये वहाँ पे आंटी ने सर्व किया था। और ये सच में नाइस, और ये तुमने खुद से बनाया है हार्ट ऐसे? हाँ। कैसे बनाया है हार्ट से? और ये रात में चोरों की तरह फैजान और मोहित जा रहे थे चाय पीने। शॉल ओढ़ के, स्वेटर नहीं मिल रहा था गधे को तो ये पहन के आया है, धुआं उड़ा रहा है मुंह से। मोहित कौन सी प्लेस है ये? अपना। क्या क्या मिलता है यहाँ पे इस टाइम पे? तो चाय मिलती है, लेकिन फेमस गोंद के लड्डू है। गोंद के लड्डू छोले। तुमको मेन्यू रटा हुआ है फैजान, तुम डेली आते हो यहाँ पे। किलोमीटर तो कानपुर लखनऊ नहीं है। बुलाई थी, गाड़ी में आ नहीं पा रही थी, अभी शिफ्ट किया है। तुम डंपर से यहाँ स्विफ्ट में शिफ्ट हुई हो क्या? और ये हो गया था नेक्स्ट डे, और हम लोग आ गए थे बड़ी मम्मी के यहाँ पे, उनके यहाँ पे कुरान खानी थी, और ये वहाँ पे हमें कूल डूड मिला। वाकर नाम है, अपना पूरा नाम बताइए। सब भाभी के यहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह शाम तक, बट अभी हम लोग की एक दूसरी भाभी हैं उनके यहाँ पे जाना है मुलाकात करने के लिए। अगर मुझे मौका मिलता है वहाँ पे शूट करने का तो इंशाल्लाह मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाती हूँ, और जैसा भी होगा आई अपडेट यू। थैंक यू। तो हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए, और मैंने जैसे कि पहले भी मेंशन किया था कि अगर मुझे टाइम मिला, अगर वहाँ पे मुझे मतलब लगा कि हाँ मैं शूट कर सकती हूँ
तो आई डेफिनेटली डू दैट एंड जैसा होगा फिर मैं वैसे ही इन्फॉर्म करूंगी आप लोग, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा बताओ कहाँ जा रहे हैं? सही में नहीं पता। बनो बहुत ज्यादा बताओ कहाँ जा रहे हैं? तुमको पता है ये झूठ है, मैं बता के आई हूँ कि हम लोग भाभी के यहाँ जा रहे हैं, सभा भाभी के यहाँ नहीं, कंफ्यूज मत होना। बताओ कहाँ जा रहे हो? भाभी क्या नाम है उसका? बस ठीक। हाँ हाँ भाभी क्या जा रहे हैं? बट वो मेरी भाभी लगेगी। नहीं मेरी लगेगी, मेरी लगेगी। और ये हम वहाँ पहुँच चुके थे, मोहित बुला रहे थे हम लोगों को, इंट्रोडक्शन करवा रहे थे सबसे ऐसे कि ये कौन है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार से बहुत सारे स्नैक्स नाश्ता सब कुछ सर्व किया था हमें। और हम लोग कुछ कुछ तो डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे बैठ के। शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल, मैंने पहले भी मैंशन किया, लेकिन फिर हमने सोचा कि वहाँ से आने के बाद जाएंगे भाभी के यहाँ पे। बट अभी अभी पता चला कि भाभी चली गई है बेटी खाला के यहाँ पे, तो हमारा भाभी के यहाँ के तो जाने का प्लान कैंसिल हो सकता है। मैं जाऊँगी बड़ी मम्मी के, अगर वहाँ मौका मिला तो शूट करूँगी कुछ कुछ, बट मुझे लगता है कि मुश्किल ही है मैं जो जाऊँ क्योंकि भाभी नहीं है। बट देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। फिलहाल तो आलू छिल रहे हैं पर कुछ नहीं लाया है। गुड आंसर, बट आलू छिलने के बाद उसका क्या बनेगा? गैस करो क्या बनेगा? वड़ा? अरे मुंबई का वड़ा, खाली वड़ा दिखता है, वड़ा पाव वाले। तो क्या बनेगा फिर? गैस करो, आलू के पराठे भी तो हो सकते हैं। तो आलू के पराठे, लेट मी गैस, समोसा। इसे बोलते हैं कि पता है, स्माइल से पता चल रहा है कि यस समोसा, राइट? मम्मी ने बताया है? नहीं मम्मी ने तो नहीं बताया, आई जस्ट गेस। नहीं नहीं इतना अच्छा थोड़ी है आपका बहुत दिमाग कि आप गेस कर। क्या टेस्टी समोसा बनेगा या शेप का पता नहीं, बट स्टफिंग जरूर टेस्टी होगी इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस। ओके सो विल ईट एंड देन प्रोवाइड द रिव्यू अकॉर्डिंगली। और अभी फिलहाल तो चाय बना के भेजनी है। किसको चाय बना के भेजा? सरी भाई के लिए। अरे भाई की बहन कब हमारे खातिर को बना दिया करा। सरी भाई के लिए चाय बना, सरी भाई के लिए नहीं, वहाँ पे फातिया है तो काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ के लिए चाय बना के भेज दी क्योंकि भाभी है नहीं, भाभी चली गई है अपने बेटी खाला के घर पे। गुड आई अप्रिशिएट, इसी वजह से। ओके बाय। स्टफिंग है हमारी, ये बन चुकी थी बहुत पहले, मैंने इसको ठंडा करने के लिए रखा हुआ था। अभी इसमें मैं धनिया वगैरह डाल के इसको गार्निश करूंगी एंड देन हम इसको स्टफ करके समोसे बनाएंगे। समोसा खाने फ्री के मामा के समोसा। सुबुल क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैदा का डो बनाने की तैयारी हो रही है। आलू का पेस्ट ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है, वो मैंने शूट करके दिखाया है, पूरा बनते हुए नहीं दिखाया, फाइनल स्टेप दिखाया, क्योंकि आई डोंट थिंक कि समोसा बनाना नहीं आता, सबको आता है। मैं वीडियो को लॉन्ग और बोरिंग नहीं बनाना चाहती थी, इस वजह से मैंने सिर्फ ऐसे फाइनल फाइनल स्टेप्स दिखाए हैं। और अभी मैं डो प्रिपेयर करने जा रही हूं, फैजान भी आ गया। डो प्रिपेयर हो जाएगा तो उसके बाद फिर समोसे बना के खिलाते और दिखाते। सो ये क्या कर रही है? कुछ नहीं, मैंने मैदा लिया है और इसमें नमक और वो ब्लैक वाली जो कलौंजी होती है और अजवाइन वो डाल के और थोड़ा सॉइल डाल के इसको वो कर रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं इसमें ऑयल डाल वो सॉरी पानी डाल के इसका डो लगाऊंगी समोसे के लिए, फिर समोसे बनाते हैं इंशाल्लाह। बैच वन इज रेडी और ये गया
पार्शियल समोसा, नॉट एक्यूरेट समोसा। रात में सब समोसे खा के इतना थक के सो गए थे कि किसी ने रिव्यू लिया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि वीडियो तो कंप्लीट करनी ही है, तो इसलिए पहले मोहित से पूछ लेती हूँ और उसको बाद में ऐड कर दूंगी। तो मोहित, आपको रात में समोसे कैसे लगे थे? It was nice, और tasty. और कुछ कहना चाहेंगे आप? नेक्स्ट टाइम से थोड़े उसका जो कवर है वो थोड़ा पतला, थोड़ा मोटा था, थोड़ा सा मोटा था। अब इतना प्रोफेशनल तो है नहीं ना हम, इसलिए, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया था कि वो ठीक से बने। हाँ, शेप उसका उतना अच्छा नहीं था, बट उसकी स्टफिंग कैसी थी? नाइस, टेस्टी इट वाज। और अभी आप क्या कर रहे हो? वही रेगुलर जिंदगी, ऑफिस का काम। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।